मैं अक्षय, आप देख रहे हैं टेक्निकल यूपी वन में। जैसा कि लोगों का कहना था कि एक ऐसी मशीन लेकर आओ, झटका मशीन, जो कि कम कीमत में किसान अपनी फेंसिंग कर ले और छोटे किसान भी फेंसिंग कर पाए। अभी क्या है, छोटे किसान महंगी मशीनों के चक्कर में फेंसिंग नहीं कर पाते, तो ये जो मशीन है ये आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही कम कीमत की मशीन है और इसे आप छोटे किसान भी यूज़ कर सकते हैं और बड़े किसान भी यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसकी फीचर्स की बात कर लेते हैं। ये है अपना, ये वाली बटन है, मशीन को हाई पावर पे चलाना है हाई पावर पे चलाओ, लो पावर पे चलाना है लो पावर पे चलाओ। और ये है अपना ऑन ऑफ वाला मैन बटन। अगर आपको इसमें अलार्म भी चाहिए तो इसी मशीन में आपको अलार्म वाला फीचर्स भी मिल जाएगा। और ये रहा अपना बैटरी, यहाँ पर अपनी बैटरी कनेक्ट हो जाएगी। अपन को अगर छोटी बैटरी कनेक्ट करनी है तो छोटी बैटरी कनेक्ट कर लो, और यहाँ पे अपना सोलर कनेक्ट हो जाएगा, सोलर पैनल, बैटरी के हिसाब से सोलर पैनल लगता है। और अगर आपको इस मशीन को लाइट से चलाना है तो इस प्रकार का एक एडाप्टर लीजिए 2.5 एम्पियर तक का, उस एडाप्टर को आप यहाँ पे कनेक्ट कर दो, इसमें, इस सॉकेट में, ये यहाँ पे आप एडाप्टर को कनेक्ट कर दो तो ये मशीन आपकी लाइट से भी चलने लगेगी। और अगर आपको लाइट और बैटरी दोनों का यूज़ करना है तो इसमें आप बैटरी कनेक्ट कर दो, ये अब अपनी मशीन लाइट से भी चलेगी। और जैसे ही लाइट चली जाएगी तो अपनी मशीन बैटरी से चलने लगेगी। अगर आपको एडाप्टर से मशीन को यूज़ करना है तो आप इसमें एक छोटी सी बैटरी कनेक्ट कीजिए 12-12, 12-14 तक की, तो आपकी लाइट से भी चलेगी, लाइट जाने पर मशीन अपनी बैटरी से चलेगी। तो अब बात कर लेते हैं इस मशीन के रेट का। ये मशीन आपको पड़ जाएगी मात्र 1800 रुपये में, ये मशीन आपको 1800 रुपये में पड़ जाएगी। और ये आपकी मशीन 1 बीघे से 50 बीघे तक आराम से काम करेगी। इस मशीन में अच्छी क्वालिटी का सामान लगा हुआ है, ये नहीं है सस्ती है तो सस्ता सामान हुआ, अच्छी क्वालिटी का सामान है। इसका रेट इसलिए कम है कि इसके फीचर्स कम कर दिए हैं और इसकी जो बॉडी है वो छोटी कर दी है, इसलिए इसका रेट कम है। और इसे आप बहुत अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं घर में भी और खेत में भी। तो इसको हम आपको चेक करा के भी दिखाएंगे मशीन को। और अगर आपको इंसुलेटर वगैरह चाहिए हैं तो इंसुलेटर आपको हमारे पास 2 रुपये, 10 पैसे, 20 पैसे, 3 रुपये हर टाइप का इंसुलेटर मिल जाएगा। वाइट इंसुलेटर आपको 2 रुपये 20 पैसे से मिल जाएगा मेरे पास। अगर आपको एडाप्टर चाहिए लाइट से चलाने के लिए तो एडाप्टर भी मिल जाएगा अच्छी क्वालिटी का, जो कि झटका मशीन को चलाता है, झटका मशीन के लिए ही है, जो कि आसानी से ख़राब भी नहीं होता। वायर वगैरह भी मिल जाएगा। तो आपका ये लगभग अगर आपको 5 से 6 बीघे में भी फेंसिंग करनी है तो ये बहुत कम रेट में आपकी फेंसिंग हो जाएगी, 2-3 या 4 हज़ार में आपकी फेंसिंग फाइनल हो जाएगी अगर छोटे किसान हैं आप। तो हम आपको ये मशीन को चेक करा देते हैं। तो अगर आपको ये मशीन लाइट से चलानी है तो ये एडाप्टर से ये वाला प्लग है जो अपने लाइट के बोर्ड में लगा दीजिए। तो जैसे ही आप वहाँ पे एडाप्टर का बटन ऑन करेंगे लाइट से तो ये अपनी चार्जिंग वाली लाइट यहाँ पे जलने लगेगी। तो अभी इस मशीन में बैटरी कनेक्ट नहीं है, ये आपको मैं लाइट से चला के दिखा देता हूँ। ये देखो, ये अपनी मशीन चालू हो गई है। ये जैसे ही मशीन चालू होगी ये लाइट टिक टिक करके जलने लगेगी। अब मैं आपको इसका झटका चेक करा देता हूँ। अभी ये मशीन लाइट से चल रही है। आपको इसमें बैटरी भी कनेक्ट करनी है इसी एडाप्टर के साथ अपने, तो इस सॉकेट में अपना बैटरी वाला जो है प्लग वो लगा दीजिए। अब अपनी मशीन लाइट से भी चलेगी और अपनी बैटरी से भी चलेगी। लाइट जाने के बाद अपनी मशीन बैटरी से चलने लगेगी। वो देखिए इस प्रकार से, जैसे ही अपनी मान लो ये लाइट चली गई, ये वाली लाइट अपनी चार्जिंग वाली बंद हो गई और मशीन जो है अपनी वो बैटरी से चलने लगी। इसमें आप अगर छोटी बैटरी भी लगा देंगे स्प्रे पंप मशीन की तो वो आपकी 2 दिन आराम से चला लेगी, मतलब 24 घंटे तो चल ही जाएगी वो मशीन। अगर आप लगातार चलाते हैं तो वो बैटरी आपकी 24 घंटे चल जाएगी। अगर आप रुक रुक के इस्तेमाल करते हैं, बीच बीच में बंद करते हैं, तो आपकी वो छोटी सी बैटरी इस मशीन में 2 दिन आराम से चल जाएगी। तो इसमें मैं ये सॉकेट कनेक्ट कर देता हूँ इसका लाइट वाला, तो ये देख लीजिए। एक बार और आपको मैं झटका चेक करा देता हूँ। बहुत ही तगड़ा इसमें फॉल्ट है। अगर इसी मॉडल में आपको अलार्म का भी फीचर्स चाहिए तो अलार्म में भी मिल जाएगा। तो अगर आपको ये मशीन पसंद आई है तो ज़रूर आप कमेंट करके अपना एड्रेस और नंबर वगैरह सेंड कीजिए। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं झटका मशीन से रिलेटेड वीडियो अपने चैनल पर डालता रहता हूँ। धन्यवाद।